इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। सच्चाई का यार टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो सालिमों को माफ। करन 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 पर साजिश की परछाई अगर छाने वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। नेहा प्लीज, बस थोड़ी देर और। कितना मजा आ रहा था आपसे बातें करके, और आपने तो कितने दिन बाद एक दिन की छुट्टी ली ऑफिस से। नेहा विकी प्लीज डोंट इंसिस्ट। मैंने छुट्टी ली थी लेकिन जरूरी काम आ गया इसलिए छुट्टी कैंसिल। और ये मत भूलो कि पापा के जाने के बाद बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। और वो आपका सौतेला भाई, वो कैसे ऐश करने के लिए है? आपके पैसे को चरस गांजे में उड़ाने के लिए है? उसे भी तो कुछ काम करना चाहिए, आपका हार्ट बटाना चाहिए। वो साहब मेरे काम करने के तरीकों से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्हें ऑफिस में एक मामूली पोजीशन में एक आम वर्कर की तरह काम सीखने में अपनी तोहही नजर आती है। और वो तुम्हारा भाई है इसलिए तुम्हें उसे विकी प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे हमारे बीच तू तड़ाक नहीं पसंद। सॉरी नेहा, पर रिश्तों में इतनी फॉर्मेलिटीज। ये फॉर्मेलिटीज हमें जिंदगी भर निभानी पड़ेगी। मुझे जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, और अगर किसी को ये नहीं पसंद है then that's not my problem। और जहां तक जय का सवाल है, मैंने उसे अल्टीमेटम दे दिया है। क्या तो उसे ऑफिस में एक मामूली पोजीशन में काम करके मेहनत करके अपने दम पर ऊपर आना होगा, या फिर एक महीने में ये घर छोड़ना होगा। हाय, लगता है आप दोनों मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। अभी मिस नहीं कर रहे थे लेकिन I'm sure एक महीने के बाद जरूर मिस करेंगे। अच्छा नेहा, मैं चलता हूँ, बाय। बाय। नेहा, मैंने आपको कितनी बार कहा कि ये विकी विकी की बात। ये बताओ कि तुमने कुछ तय किया कि तुम्हें क्या करना है? हाँ, मैं वो तुम्हारे पास एक महीना है सोच समझ कर फैसला करना। एज अ क्लर्क तुम मेरी ऑफिस कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, आगे तुम्हारी मर्जी। अरे यार फ्रांसिस। यस सर। यार तुम मेरे लिए ड्रिंक, सॉरी एक मिनट, आप मेरे लिए ड्रिंक लाइएगा। सर आपको मैनेजर साहब ने ड्रिंक देना मना किया है,
हम अपना पहला हिसाब क्लियर किए उसके बाद। पहला हिसाब, पिछला हिसाब, मैं कहीं भाग रहा हूं क्या? उस गुप्ता के बच्चे को बहुत चढ़ भी चढ़ गई है। पाए पाए चुका दूंगा और साथ में उसे टिप भी दूंगा। ये तुम्हारा बार जो है ना, इसे खरीद कर यहाँ तबेला खोलूंगा मैं। बड़ा आया पिछला हिसाब। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता विकी। फ्रांसिस, यस सर, ड्रिंक लाओ मेरे अकाउंट से। ओके सर। अगर तुम ये सोच रहे हो कि नेहा से शादी करके तुम उसकी दौलत पर ऐश करोगे, तो तुम्हें यह जानकर बड़ा अफसोस होगा कि तुम बहुत गलत सोच रहे हो। फिलहाल तुम ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है। वैसे एक महीने बाद तुम सड़क पे आने वाले हो। नेहा को अपने प्यार के जाल में तो तुमने फंसा लिया, लेकिन अब तक तुम उसे पूरी तरह से जान नहीं पाए। बिल्कुल अपने बाप पर गई है वो। शादी तो तुम उससे कर लोगे, पर उसकी दौलत कभी हासिल नहीं कर पाओगे। सारी जिंदगी तुम्हें दबा कर रखेगी वो। एक एक पाई के लिए भीख मांगनी होगी तुम्हें उससे, जैसे मुझे मांगनी पड़ती है। और वैसे भी अपनी सैंडल की नोक पे रखती है वो तुम्हें। क्या बक रहे हो तुम? मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूं। प्यार? हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के दायरे बहुत छोटे होते हैं विकी। सब कुछ पता लगा चुका हूं मैं तुम्हारे बारे में। 10 लाख रुपए लौटाने हैं तुमने, जो तुमने लोगों से यह कह कर लिया है कि तुम नेहा कोठारी से शादी करने वाले हो। और अगर तुम वो पैसा वापस नहीं लौटा पाए, तो वो लोग तुम्हारा क्या हश्र करेंगे ये कहने की मुझे जरूरत नहीं। देखो विकी, नेहा के बिजनेस में काम करने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिस तरह की उसकी नेचर है, वो मुझे अपना नौकर ही बनाकर रखेगी। कहती है क्लर्क के लेवल से काम शुरू करो। शादी के बाद तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। जिस दौलत के लिए तुम उसके पीछे दुम हिलाए फिरते हो ना, उस दौलत की फूटी कौड़ी भी वो तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने देगी। एक तरीका है जिससे हम दोनों की जिंदगी आसान हो सकती है। क्या तरीका है? मैंने एक प्लान बनाया है। अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम नेहा की दौलत हासिल कर सकते हो, लेकिन आधी। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? नेहा का कत्ल। अगर ये बात मैं पुलिस को बता दूं कि तुम अपनी बहन का कत्ल करना चाहते हो, तो उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर तुम उसको मार दो तो मैं उसकी सारी दौलत अपने नाम करवा दूंगा, और फिर आधी दौलत तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब है। वैसे इस ड्रिंक के लिए शुक्रिया। नेहा की सारी जायदाद की वैल्यू है 56 करोड़। 56 करोड़? यू मीन 56 करोड़? तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया ना? हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं। ना अकेले तुम कर सकते हो, और ना अकेला मैं। प्लान क्या है? करण, द डिटेक्टिव। करण, द डिटेक्टिव। आओ विकी, घबराओ मत। नेहा अपनी दोस्त की शादी में गई है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो विकी। कल रात 10 बजे मैं ब्लू हेवंस बार में जाऊंगा। नेहा रात को 10:30 बजे से 11 बजे तक सो जाती है। ठीक 11 बजे तुम इस घर के अंदर घुसोगे और कहीं छुप जाओगे। 11:15 बजे मैं फ़ोन करूंगा, और जैसे ही नेहा वो फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए आएगी, तुम पीछे से आकर उसका गला दबाकर उसे मार दोगे। जाने से पहले तुम कुछ सामान यहाँ पर बिखेर देना, जिससे ये लगे कि कोई चोर यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आया था और नेहा ने उसे देख लिया था। इससे पहले कि नेहा शोर मचाती, उस चोर ने नेहा को मार दिया। लेकिन तुम नेहा को क्यों नहीं मार देते? नेहा का खून होते ही पुलिस का सबसे पहला शक मुझ पर जाएगा। तुम पर किसी का शक नहीं जाएगा, क्योंकि तुम नेहा से प्यार करते हो
तुम्हारे पास नेहा को मारने की कोई वजह नहीं है। लेकिन अगर मैं नेहा को मारूंगा तभी तो पुलिस तुम पर शक कर सकती है। कर सकती है, लेकिन खून के वक्त मैं ब्लू हेवन बार में था और इस बात की गवाही वहां का स्टाफ देगा। लेकिन मैं घर में घुसूंगा कैसे? इस दरवाजे से। इस दरवाजे की दो चाबियां हैं, एक मेरे पास है और दूसरी नेहा के पास। कल रात एग्जैक्टली 9:45 बजे तुम नेहा को फोन करोगे। जब नेहा तुमसे बात कर रही होगी तो मैं नेहा के पर्स से चाबी निकाल कर छुपा दूंगा। कहाँ? आप बताता हूं, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। यहां मैं चाबी इस पेंटिंग के पीछे छुपा दूंगा। तुम चाबी यहां से उठाना और काम खत्म करने के बाद चाबी यहीं रख देना। मैं यहां से चाबी उठा के उसे वापस नेहा के पर्स में डाल दूंगा और पुलिस को फोन कर दूंगा। लेकिन तुम पुलिस को क्या बताओगे? चोर अंदर कैसे आया? पीछे के दरवाजे से। नेहा को सोने से पहले लॉन में घूमने की आदत है और कई बार वो पीछे का दरवाजा खुला छोड़ देती है। तुम जाने से पहले पीछे का दरवाजा खुला छोड़कर जाओगे। लेकिन बाद में अगर तुम मेरा हिस्सा देने से मुकर गए तो? हम दोनों एक दूसरे के राजदार हैं और हम एक दूसरे को धोखा देना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, कल रात 11 बजे। पूरा प्लान तो तुमने सुना ही नहीं विकी, पूरा प्लान तो और भी अच्छा है। तुम नेहा को मारोगे और मैं तुम्हें, और मैं पुलिस से बताऊंगा कि नेहा ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया और तुमने उसे बहुत समझाया और वो नहीं मानी और तुमने उसे मार दिया। ठीक उसी वक्त मैं घर में आया और मैंने तुम्हें देखा नेहा का खून करते हुए। तुमने मुझे भी मारने की कोशिश की पर अपने आप को बचाने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा। ये सारी दौलत मेरी हो जाएगी, मेरी। हेलो, ओके। नेहा, क्या हुआ? तुम्हारा फोन है। हेलो विक्की। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बुक पढ़ रही थी। समझते क्यों नहीं? मैंने कहा हम कल नहीं मिल सकते। I'm busy. मुझे ऑफिस जाना है। नेहा, एक मिनट। मैं जरा बाहर जा रहा हूं, देर से लौटूंगा। चेत कह रहा था मैं बाहर जा रहा हूं, देर से जैसे कोई नहीं बात।
करारस द डिटेक्टिव करारस द डिटेक्टिव क्या लो ये सब वही अपना रेगुलर रहे हेलो हेलो The detective. Kararas. The detective. Neha, ये सब क्या है? कौन है ये? मैं तो अंदर सो रही थी. अचानक फोन बजने लगा. मैं बाहर आई, मैंने फोन उठाया और ये अचानक पीछे से आकर मेरा गला घोटने लगा. अपने आप को बचाने की कोशिश में मैंने चाकू उठाया और लेकिन मैंने जानबूझकर इसे नहीं मारा. जाए क्या फर्क पड़ता है जय, विकी ने हमारे या नेहा विकी को जो बच जाए तेरा काम तो हो जाए. बस पुलिस के सामने ने तेरी कहानी नहीं बदली कि विकी ने नेहा को गोली मार दी और तूने विकी को चाकू मार दिया. और हाँ जय, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना.
मैंने पुलिस को फोन कर दिया, वो लोग बस आते ही होंगे। उन लोगों ने किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना किया है। नेहा तुम अंदर से एक चादर ले आओ, कम से कम हम इस लाश को ढक दें। इंस्पेक्टर साहब, जैसा आपने कहा था, हमने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। विक्की, 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 तुम जानते हो इसे? मिस्टर करण, ये विक्की है, नेहा का बॉयफ्रेंड। तो जल्दी शादी करने वाले थे। What? तो फिर ये नेहा को क्यों मारना चाहता था? मालिक का ये पता लगाना हमारा काम है, नहीं? Sorry, sir. Oh God. दाढ़ी चाकू इसके पीठ पे लगा हुआ है। निकाल कर फॉरेंसिक लैब भेज देना। यस सर। नेहा, तुमने बताया है कि जब तुमने यहां से आकर फोन उठाया तो किसी ने पीछे से आकर तुम्हारा गला दबाया। इसका मतलब है कि विक्की यहां पहले से ही मौजूद था, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम था कि वो यहां है। मैंने विक्की से करीबन 9:30 बजे बात की थी फोन पर, और उसके बाद जय बाहर चला गया और मैं अपने कमरे में। उसके बाद ना ही मैं बाहर गई और ना ही कोई अंदर आया। फिर विक्की पता नहीं अंदर कैसे आया, क्योंकि दरवाजा तो बंद था। अब मिस्टर करण, पीछे गार्डन में जाने के लिए एक और दरवाजा है जो अक्सर खुला रहता है, क्योंकि नेहा खाना खाने के बाद वहां गार्डन में घूमने जाती है। हो सकता है विक्की वहीं से अंदर आया। नहीं नहीं, विक्की इस सामने वाले दरवाजे से अंदर आया। ये मैं नहीं कह रहा, ये इसके जूते कह रहे हैं। वो देखिए ना, वो डोरमैट जो पायदान है वो आपका, वो उस पायदान के रेशे इसके जूते में है। ये शायद पायदान नया है आपका। देखिए, अगर ये पीछे गार्डन की तरफ से आता तो इसके जूतों में गार्डन की मिट्टी लगी होती। ना जूतों में मिट्टी है ना फर्श पर मिट्टी है। आया ये वहीं से था। Yes. लेकिन ये कैसे हो सकता है, जब नेहा ने दरवाजा खोला ही नहीं तो कैसे? रात 9:30 बजे आप कहाँ गए थे मिस्टर जय? मैं ब्लू हेवेंस बार में था। ब्लू हेवन बार, सर। वैसे इस घर की कितनी चाबियां हैं? जी, 2 चाबियां हैं। एक ये मेरे पास, ये मेरी चाबी है, और एक नेहा के पास। दिखाइए आपकी चाबी। जी, मेरी चाबी मेरी पर्स में है। मैं लेके आता हूँ। अह
अरे जो हो गया सो हो गया, टीम को फौरन फोन करो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मिस्टर करन, ये रही चाबी, मिल गई पर्स में। ये पर्स मैंने रखो, इसे एग्जिबिट नंबर 2। मिस्टर करन, विकी अक्सर यहाँ आया करता था नेहा से मिलने, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने चुपके से उसकी चाबी का प्रिंट ले लिया हो और एक डुप्लीकेट चाबी बना ली हो? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर चाबी इसके जेब में होनी चाहिए थी, लेकिन इसके जेब में तो कुछ भी नहीं। इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, मामला काफी पेचीदा है, लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि मुजरिम मेरी आंखों से छिप सकता है लेकिन बच नहीं सकता। मुजरिम कौन है, कातिल कौन है, ये जानेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। करण द डिटेक्टिव। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करम 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 पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सर जमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 Did you check?